आज के समय में मानव दानव हो गया है। घर घर में कलह, घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण महिलाओं को घर परिवार चलाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब एवं जुए के लत्ती हो गए हैं, जिसके कारण तमाम परिवार बदहाली की ओर बढ़ रहे हैं तथा कई परिवार तबाह हो चुके हैं। इन्हीं सब बुराइयों को रोकने के लिए बाराबंकी की समाज सेवी संस्था संगम समाज सेवा संस्थान ने एक महिला विंग का गठन किया है। इस महिला संगठन में हजारों की संख्या में महिलाएं एक साथ एक वेशभूषा गुलाबी साड़ी एवं लाठी से लैस होगी। इन महिलाओं को जहां भी अराजकता की कोई भी शिकायत मिलेगी, वहां पर इन महिलाओं का पूरा आमला पहुंचेगा तथा उस समस्या को मौके पर ही त्वरित रूप से निस्तारण किया जाएगा। संदीप वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं राम हर्ष यादव, संगम समाज सेवा संस्थान का सदस्य हूं। आज यहां प्रदेश कार्यालय आकाशण में संगम समाज सेवा संस्थान की जो प्रत्येक एक तारीख को मीटिंग होती है, जिसमें महिलाओं को एक विंग हम लोग बना रहे हैं कि जो महिलाओं की खासकर समाज में समस्या रहती है, इन्हें परेशान किया जाता है गांव में क्षेत्र में जो है अलग अलग तरीके से, तो एक हम लोग वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं संगम समाज सेवा संस्थान की तरफ से, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री आमिन बेग जी का निर्देश है कि इस प्रकार की महिलाएँ तैयार की जाएँ और उनको एक प्रशिक्षित किया जाए कि वो अपनी समस्याओं को स्वयं ही निस्तारित कर सकें, अपनी समस्याओं से लड़ सकें। उसी संबंध में आज एक मीटिंग की गई थी और प्रत्येक महीने की 3 बार मतलब कि 10 तारीख को, 20 तारीख को, फिर 1 तारीख को मीटिंग करके इनको सिखाया जाएगा कि वो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकती हैं। अच्छा, ये कितने लोगों की विंग आपकी है? अभी करीब 100 महिलाएं आज की तारीख में हमारे यहाँ आज आई हैं, हो चुकी हैं, और हम कोशिश ये करेंगे कि पूरे बाराबंकी खासकर और आसपास के क्षेत्र में हजारों महिलाएं हमारे साथ हों और उनकी लड़ाई वो स्वयं अपनी लड़ें, ये संगम समाज सेवा संस्थान का जो है उद्देश्य है।